दोस्तों नमस्कार। सुस्ती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विद्यालय के जूलॉजी विषय के राइबोसोम टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करेंगे। एकदम आसान भाषा में सीधे हम चलते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम जो है एक प्रकार का पार्टिकल्स है। यहां पे अगर हम सीधे डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे लिखा गया है द राइबोसोम प्रोटीन पार्टिकल्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है वह एक प्रकार का राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होता है जो किसमें हेल्प करता है तो प्रोटीन के सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन के बनाने में हेल्प करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। और इसको हम बोल क्या रहे हैं, कौन सा पार्टिकल बोल रहे हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो राइबोसोमल आरएनए और इसके साथ प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि 50% आपका राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और 50% आपका प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी होती है राइबोसोमल आरएनए की और प्रोटीन की वह बराबर होती है, तो इसलिए इसको हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं। जो किस में हेल्प करता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द राइबोसोम वेयर फर्स्ट नोटेड इन प्लांट सेल बाय रॉबिन्सन, यानी कि इनको सबसे पहले प्लांट सेल में रॉबिन्सन के द्वारा नोटेड किया गया। और इसके साथ एक साइंटिस्ट हैं ब्राउन, ये भी इनके सहयोगी थे। कब इनको नोटेड किया गया तो 1953 में, यानी कि सबसे पहले प्लांट सेल में रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा 1953 में इनको क्या किया गया, सबसे पहले नोटेड किया गया। यहाँ पे नीचे देखिए जॉर्ज पैलेडे इन 1955 ऑब्जर्व्ड इट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में सबसे पहले जॉर्ज पैलेडे एक साइंटिस्ट हैं जो 1955 में इसको ऑब्जर्व्ड किए थे एनिमल सेल में। अगर हम बात करें टर्म की तो जो राइबोसोम टर्म है, इस राइबोसोम टर्म को सबसे पहले कौन दिया था तो आरबी रॉबर्ट ने इस टर्म को दिया था। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा 1953 में प्लांट सेल में इसको नोटेड किया गया, लेकिन जॉर्ज पैलेडे के द्वारा 1955 में इसको एनिमल सेल में सबसे पहले देखा गया और टर्म राइबोसोम नाम दिया गया किसके द्वारा, आरबी रॉबर्ट के द्वारा। हम इसके स्ट्रक्चरर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द राइबोसोम आर स्मॉल डेंस राउंडेड एंड ग्रेनुलर पार्टिकल। जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे सब शब्द आया पार्टिकल्स, तो उससे स्पष्ट है कि यह क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, माइन्यूट होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल। तो राइबोसोम स्मॉल होता है, डेंस होता है, इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है, घना होते हैं, ठीक है ना, राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं, नियर अबाउट, फुली पूर्ण रूप से गोल नहीं होते हैं लेकिन नियर अबाउट गोल होते हैं, और ग्रेनुलर पार्टिकल्स यानी कि ग्रेनुल्स में पाए जाते हैं, ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि हमने बताया था राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्लस प्रोटीन, या दोनों से मिलकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। इट्स डायामीटर इज अबाउट, इट्स हम डायामीटर की बात करें, किसकी डायामीटर क्या है तो 152 200 एंगस्ट्रॉन। इनकी डायामीटर कितनी होगी, 152 200 एंगस्ट्रॉन इनका डायामीटर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो इनके टाइप्स होते हैं वह आपका टू टाइप्स होता है, एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है, ठीक। यहाँ पे जो 70S राइबोसोम है यह आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पे जो 80S राइबोसोम पाया जाता है वह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हम एक एक करके
विस्तृत और बहुत आसान भाषा में स्टडी करेंगे, सीधे हम चलते हैं 70S राइबोसोम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 70S राइबोसोम दिख रहा होगा। यहाँ पे 70S राइबोसोम की अगर बात करें तो 70S राइबोसोम आर स्मॉलर होता है साइज में एंड हैव सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। यह सेडिमेंटेशन कोफिशियंट इसका होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि एक सेडवर्ग यूनिट्स के द्वारा इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एक सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है, वह सेडमेंट होता है एक ट्यूब में जिसके आधार पे हम सेडवर्ग यूनिट के द्वारा इसको हम मेजर करते हैं। इट्स मॉलिकुलर वेट, इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वह कितना होता है, 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स इनका मॉलिकुलर वेट होता है। और ये पाए कहा जाते हैं, दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गा है ये इसका उदाहरण है। इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज 50S सब यूनिट एंड स्मॉल 30S सब यूनिट, यानी कि यह दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। लार्ज जो सब यूनिट्स होता है वह 50S होता है, जो स्मॉल सब यूनिट्स होता है वह 30S होता है, ठीक। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सीधे हम आपके स्ट्रक्चर पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो 70S राइबोसोम है आपका, यहाँ पे 50S और 30S, यानी कि 50S और 30S, 50S यहाँ पे आपका क्या है, लार्ज सब यूनिट है, और 30S आपका क्या यहाँ पे कि स्मॉल सब यूनिट्स है, ठीक है। तो यानी कि 50 और 30 आपका कितना होगा, 80S होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, 70S राइबोसोम बोलते हैं। यानी कि 10 राइबोसोम जो होता है वह आपस में मर्ज हो जाता है, यानी कि कुछ पोर्शन इसके और कुछ पोर्शन इसके आपस में क्या हो गए हैं, यहाँ पे मर्ज हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके 10 जो एस हैं वह क्या होता है, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, 70S राइबोसोम। फिर हम चलते हैं पीछे थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए, अब हम अगर 80S राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, द 80S राइबोसोम आर लार्जर इन साइज एंड हैव सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 4.7 × 10⁶ डाल्टन्स, इट्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो 80S राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे इनका भी एक सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है, जिनके आधार पे हम इनको 80S राइबोसोम बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यह हायर जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि द राइबोसोम फाउंड इन माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट इज ऑफ 70S टाइप। एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आपका बन जाता है कि 70S टाइप के जो राइबोसोम हैं वह भी पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन कहाँ पे पाए जाते हैं, केवल क्लोरोप्लास्ट और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, किस ऑर्गेनेल्स में 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि यह याद रखना होगा कि 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 80S जो राइबोसोम है यह कंसिस्ट होता है लार्ज 60S सब यूनिट से और स्मॉल 40S सब यूनिट से। सीधे हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह 80S राइबोसोम आपका दिख रहा है, इसमें जो लार्ज सब यूनिट है वह 60S है और जो स्मॉल सब यूनिट है वह 40S है। यह भी आपस में मर्ज हो करके, आपस में जब मर्ज होगा तो इसमें भी 20S आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ 60 और 40 को जोड़ने से तो मतलब है, लेकिन जो 20S गायब हो रहा है इसका मतलब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में मर्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से 20S क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो यहाँ पे
जो कंपोजिशन होता है, हमने बताया कि यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर 70S राइबोसोम है, उस 70S राइबोसोम में अगर लार्ज सब यूनिट है तो उस लार्ज सब यूनिट में आपके 23S एंड 5S आरएनए प्लस 34 प्रोटीन्स मिल रहे हैं, तो आपका बन रहा है क्या 50S लार्ज सब यूनिट। अगर हम उसके स्मॉल सब यूनिट की बात करें, 30S की बात करें, तो इसमें 60S आरआरएनए और 21 प्रोटीन्स के मिलने से 30S स्मॉल सब यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है, यह इसका केमिकल कंपोजिशन है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अब यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकेरियोट्स में आपका जो लार्ज सब यूनिट्स 60S है उसमें आपके 20S और 5.8S एंड 5S आरआरएनए के साथ आपके नियर अबाउट 45 प्रोटीन्स मिल रहे हैं, जिससे आपके 60S लार्ज सब यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम इसकी स्मॉल सब यूनिट्स की बात करें तो इस स्मॉल 40S सब यूनिट्स में 80S आरआरएनए के साथ नियर अबाउट 30 प्रोटीन्स का मिलने से आपके 40S स्मॉल सब यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या होगा, तो सीधे हम इसके फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन, तो यहाँ पहला जो फंक्शन आपका है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो आपका राइबोसोम है वह राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो यानी कि जिस सेल में ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी उस सेल में आपके जो राइबोसोम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। जैसे पैंक्रियाज की बात करें, पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे जो राइबोसोम्स की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी और वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे और प्रोटीन्स ही आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे लिखा भी क्या है, राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ सेल, ठीक है ना। इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और किसके साथ यह मिलकर के वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, एम आर एन ए एंड टी आर एन ए। प्रोटीन की सिंथेसिस में हमेशा एम आर एन ए और टी आर एन ए का अहम रोल होता है, उनकी हेल्प किसे यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, राइबोसोम फॉर्म प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, प्रोटीन और एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो अगर राइबोसोम की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर यह लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट्स है, तो यहाँ सेंटर में आपके मैसेंजर आरएनए होंगे, इसी मैसेंजर आरएनए पे टी आरएनए क्या होगा, एमिनो एसिड को लेकर के आएगा और कोडान एंटी कोडान के रूप में यहाँ पे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या बन जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में एमआरएनए और टीआरएनए का भी रोल होता है। और एक चीज ये भी बता दें कि यह प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जो राइबोसोम होता है वह आल्सो है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है, किससे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनसे एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का फॉर्मेशन जो सेल है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है, यह न्यूक्लियोलस ही क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से नियर अबाउट सारी जानकारी आपको राइबोसोम के बारे में दे दी गई। फिर हम अगले टर्म में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।